पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एमपी साहब क्या कहना चाहेंगे, जो आज नितिन गडकरी मुरादाबाद आए हैं और उन्होंने एक तोहफा दिया मुरादाबाद को, क्या कहें? क्या तोहफे पहले भी दे चुके हैं तोहफे, और आप सबको भी उनको धन्यवाद देने चाहिए। भारत सरकार के बहुत ही प्रभावी वरिष्ठ मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पूर्व में 2012 में जब रितेश गुप्ता यहाँ से चुनाव लड़े थे, तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब भी वो रामला मैदान आए थे। आपने देखा होगा, मैं भी उनके साथ हेलीकॉप्टर में बैठ कर आया था, मैं उस समय जिलाध्यक्ष था। आज उन्होंने जो काम किया है वाकई में बहुत सराहनीय है, और मुझे लगता है कि जितनी और भी वो कह के गए हैं कि और भी प्रस्ताव दीजिए, अभी उन्होंने बताया कि एक हवा में उड़ने वाली बस आप प्रपोजल दीजिए। अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान के केंद्रीय मंत्री हमारे, मेरे परिचित हैं, बहुत घनिष्ठ हैं, हम शायद उनको ले आएंगे, तो हो सकता है वो प्रोजेक्ट भी हमारी जो लोकसभा के लिए भी। आज उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि जो 2016 में हमने शिलान्यास कराया था, गडकरी जी को चंदौसी में हमने बुलवाया था, उस दिन उन्होंने शिलान्यास किया था 2016 में, और वो बन के तैयार हो गई। मुरादाबाद से कुलर की बिलारी चंदौसी होते हुआ बैजोई होते हुए जाती है अलीगढ़ तक, वो रोड तैयार हो गया हाईवे, उसका आज लोकार्पण किया है, तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी। तीन चार काम मोरे और अटके हुए थे, जैसे 36 भी रेलवे ओवरब्रिज का था, और एक नया नेशनल हाईवे उन्होंने घोषित किया है जोया से सम्मल होता हुआ बैजोई, वो आज कह गए जाते ही मैं उसको जो है कर दूंगा दिल्ली को, तो ये काम भी उन्होंने किया है। एक दो काम और हैं वगैरह, सीआरएफ फंड की हमारी थी, जो अभी डिप्टी सीएम केशव जी ने भी उसकी घोषणा करी है, क्योंकि नितिन गडकरी जी तो पहले ही कर चुके हैं वो उसकी वो सारी चीज़ें, लेकिन वो प्रदेश सरकार ने पैसा धनराशि जारी नहीं करी है। हमारे मंडल दस हैं, इनकी सड़क है वो जो यहाँ से मछरिया से होते हुए इसी रोंडा झोंडा चौराया होते हुए मनकरा होते हुए NH 24 जो मुंडा पांडे जाके मिलती है 35.5 किलोमीटर है, ये सीआरएफ फंड से 7 मीटर बोल को एज ए हाईवे, जैसी कि हमने बिलारी में सीआरएफ फंड से बन रही हमारी लगभग बन चुकी है, प्रधान जी वहाँ कर रहे हैं, उनको जानकारी है बिलारी के, जो बिलारी मिल से वो सीधी चंदौसी को जाती है और वो काम चल रहा है, लगभग 16-17 किलोमीटर बन चुकी है वगैरह। तो ये बहुत अच्छे काम किए हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसे मंत्री के हम सबको भी शुभकामनाएं धन्यवाद देना चाहिए। अभी पुलवामा की जो घटना हुई है उसमें जो शहीद सैनिकों हुए हैं उस पर क्या बड़ी अत्यंत दुखद घटना है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती करी है, और निश्चित रूप से उसका खामियाजा पाकिस्तान को यथाशीघ्र मिलने वाला है। जनता लगातार मांग कर रही है कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई एक्शन। श्योर जैसी आपके मन के अंदर है, मेरे मन के अंदर भी यही भावना। प्रधानमंत्री इमरान खान का एक बयान आया है जो उन्होंने कहा है कि अगर हिंदुस्तान हम पे हमला करता है तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, इस पे आपका क्या है? आप जानते हो उनकी क्या क्षमता है, वो अपने आप जूझ रहे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान में जूझ रहे हैं। उनकी जनता क्या कह रही है, उनकी पाकिस्तान की जनता कह रही है कि जैसा मोदी जी हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं तुम क्यों नहीं करते, तो वो ध्यान बटाने के लिए कर रहे हैं। आप सबको जानकारी है, वो अपने घर को ही संभाल, अपने घर को संभाल लें। दुनिया ने बैन कर रखा उनको आर्थिक सहायता सब प्रकार के करने के लिए, उनकी कहां स्थिति हो गई है वो खुद अपनी समीक्षा करें। वगैरह भारत तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, अब बढ़ता रहेगा, उसको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान रोक पाए, वो स्थिति में पाकिस्तान ना है ना होगा, भारत को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा जितनी ऊंचाइयों पर जा रहा है। एमपी साहब, जो आपका संभल में जो गोद लिया हुआ गांव है, क्या कितना विकास हुआ है वहां का? क्या मेरी संभल लोकसभा में मैंने हर सांसद को 3 आदर्श गांव लेने थे, वो 3 लिए हैं। नंबर 1 हमने पहले लिया था लहरावन, ये बैजोई ब्लाक का पड़ता है। नंबर 2 दूसरा गाँव हमने लिया रेटोल, जो संभल ब्लाक का है, बिलारी संभल विधानसभा का है और संभल ब्लाक का है। नंबर 3 तीसरा गाँव लिया हमने मुरादा जनपद का, जो बनियाखेड़ा ब्लाक का है, बिलारी विधानसभा ग्वारो। ये तीनों गांवों में हमने बहुत कुछ काम कराया है जो पहले कभी नहीं हुआ था। लहराबन में हमने 6 सड़कें हमने सीसी रोड जो सांसद निधि से ही बनवा दी हैं, 10 सोलर लाइट है, 1-2 हाई मार्क्स लाइटें लग चुकी हैं, पानी की टंकी तैयार हो गई है बिल्कुल, जो पाइप के द्वारा सबके घरों को पानी दिया गया। आपने बहुत बड़ी कभी लहराबन गए होंगे तो बहुत बड़ी टंकी दिखी है। पूरे गाँव में विद्युतीकरण था, कम्प्लीट पूरे गाँव में विद्युतीकरण हो गया। बहुत सारे घर जो वो थे जिनके घर बिजली कनेक्शन है, सब में बिजली कनेक्शन हो गए हैं। 385 घरों में वहाँ शौचालय नहीं था, 385 100% घरों में शौचालय हो गए हैं। तो ये सारा काम लगभग हो गया है। जो पेंशन कुछ को नहीं मिलती थी वो सारी ऑनलाइन हो गई है। 7 कार्यक्रम हैं जनजागरण की दृष्टि से हमने किए, 3 किसानों के सम्मेलन भी हमने किए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस का अगर शुभारंभ किया था तो उसी लहराबंद से 85 महिलाओं को मैंने अपने हाथ से गैस के कनेक्शन उसी लहराबंद में बांटे थे, सबसे पहले लॉन्च किया था। तो इस प्रकार के एक टेलीफोन का BTS भी वहाँ लग गया, टावर लग गया है,
इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी वहाँ दे दिया है, ये तो लहरावन में कर दिया है। अब गौरव पड़ता है, ये गौरव के पड़ोस के रहने वाले, इनको पता है बिल्कुल। सत्यवीर जी भी थे गौरव प्रधान, कहा न्याय पंचायत का है उस गाँव में भी। हमने अभी पिछले दिनों दो सड़कों का, सीसी रोड का हमने बनवा दी, वो उसका उद्घाटन कर दिया है। एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जो गौरव तक जाती है उसका पहले हम उद्घाटन कर चुके, शिलान्यास कर चुके हैं, वो लगभग कंप्लीट हो गई है। दो सड़कें सांसद निधि से, चार वहाँ सोलर लाइट है, दो हाई मार्क्स लाइट है, और एक सब्दा गिरस जो शमशान घाट होता है वो बना दिया, उसका भी हमने देख लिया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया ना, कंप्लीट हो गया बिल्कुल। एक अस्पताल के लिए लिखा है, और जितने वहाँ लोग थे जो पेंशन थी कई वो थी, के लिए लिखा टांडा, और एक टांडा के लिए लिखा, वो भी स्वीकृत हो गई है, वो भी शुरू हो गई। दूसरा, तीन मीटिंगें हम गौरव में कर चुके हैं, जिसमें डीएम साहब भी थे, सीडीओ थे, सारे लोगों की पूरी मीटिंग कर चुके हैं, तो ये काम तत्काल हो गया। बहुत कड़िया कार्य योजना, ग्राम प्रधान जी को पता है, उस पर भी आगे काम चल रहा है, जो चल रहा है। एक रेटोल है, एक रेटोल है, एक रेटोल है, विकास की तो कोई सीमा नहीं है, कभी विकास की सीमा ही नहीं होती है, सीमा में तो बांध ही नहीं सकते, बहुत काम करना है उसमें, बहुत काम करना है। कार्य योजना देखोगे, कार्य योजना देखोगे तो आपकी भी तबीयत खुश हो जाएगी, ऐसी कार्य योजना हमने बनाई है। डीएम साहब सुम थे, अब मैं बैठ के बनाता हूँ, कागजों में नहीं बनाता हूँ। सारे लोगों को आप गौरव पहुंचोगे तो गौरव पता कर लो, सारे अधिकारी को लेकर पहुंचा। हाँ, पानी की टंकी देखो, ये ग्राम प्रधान है वहाँ के गौरव को, मैं भूल लिया हूँ, कई चीजें तो ऐसी भूल गया हूँ मैं। खरा एक रेटोल लिया हमने, संबल ब्लॉक का है, आप वहाँ के ग्राम प्रधान राम प्रकाश जी जाकर पूछिए, वहाँ की भी डीएम साहब को लेकर, सीडीओ को लेकर पांच मीटिंगें हम वहाँ कर चुके हैं। आयुष्मान भारत की योजना जो है वो भी लॉन्च हमने रेटोल में करी थी, वहाँ से सारे अधिकारियों, सीएमओ को, सीडीओ को, सारे अधिकारी ले जाकर वहाँ पर भी हमने दो सड़कें बनवा दी हैं, और एक बरातघर सैंक्शन हो गया, वो शायद बनना शुरू हो गया है, बन गया है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, बन गया है। आपके क्षेत्र में पीले पानी को लेकर कोई समस्या रहती है, उस पर क्या कोई? पीला पानी नहीं, पानी शुद्ध को बढ़िया नहीं है, जैसे का वो है क्या नाम है, सिंहपुर सानी क्षेत्र है, वहाँ उधर के क्षेत्र में कैंसर ज्यादा होता है, तो एक कारण ये भी देखा गया कि कहीं ना कहीं पानी की भी वो है। तो मैंने लोकसभा उठाया, अखबार में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, और मुख्यमंत्री को लिया, तो वहाँ दो बार समिति आ चुकी है, जांच करी है किन किन नलों का पानी पीने लायक नहीं है, झरनी है, तो उन्होंने उस पर बैन भी लगा दिया, लिख भी दिया है, लिख भी दिया है कि पानी बैन है, इसके लिए उसके लिए वो टीम काम कर रही है, और क्या अल्टरनेट उसका हो सकता है, तो उस पर काम चल रहा है। अच्छा, आपके द्वारा संबल से और अमरोहा के लिए जो ट्रेन का वादा किया गया था, कि कोई ऐसा उसमें कुछ रहा है? वायदा तो सतपाल सिंह ने कोई नहीं करा, पूरी लोकसभा में अखबार उस समय को उठा सकते हो, वायदा करता भी नहीं है सतपाल सिंह वगैरह, ये काम करते हैं, करके दिखाते हैं हम, मगर वायदे नहीं करते हैं मगर। मैंने लोकसभा में जब चुनाव लड़ा था, मेरे अखबार उठा के देख लो, केवल कार्यकर्ताओं से, मैंने आपको मेरे को जानते हो, आप जानते हो तो मेरे पे विश्वास करिए बस, तो मेरे विश्वास के कारण लोगों ने वोट दिया था, नहीं तो बहुत सारे ठेकेदार कह रहे सतपाल सिंह की जमानत जब्त होगी। बिल्कुल, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं अखबार भी उस समय उठा के दोगे तो मेरे खिलाफ छपे हुए थे बिल्कुल सब ये, बिल्कुल। तो कार्यकर्ताओं ने विश्वास किया, और उसके अनुरूप उनकी अपेक्षाओं से भी ज्यादा काम किया, ये पूछ लो सब, मेरी लोकसभा की खड़े हुए हैं ये सब खड़े हुए हैं। अब जैसे ट्रेन की है, अब जैसे रेल विभाग को सही आ गए, आपके कैमरे के सामने वोट लाऊं, आसपास लोकसभा क्षेत्र में जितना रेलवे काम से मेरे लोकसभा में हुआ है, आसपास की निगाह मार के दूंगा तो आपको मेरी लोकसभा में सबसे ज्यादा रेलवे का काम दिखाई देगा। नंबर एक चंदौसी रेलवे स्टेशन पे जाओगे, आपको कायाकल्प दिखाई देगा, चंदौसी रेलवे स्टेशन कायाकल्प। नंबर दो, मुरादाबाद से कुंदरकी बिलारी चंदौसी होते हुआ विद्युतीकरण लगभग कंप्लीट होने के कार पर चल रहा है, चंदौसी से बरेली विद्युतीकरण कर रहा 860 करोड़ रुपए का है, और चंदौसी से हरद्वागंज 199 करोड़, ये काम विद्युतीकरण चल रहा है, और शेषपुर बिलारी से संबल तक विद्युतीकरण ये काम चल रहा है, ये छोटा मोटा काम नहीं है, जब इलेक्ट्रिक लाइनें हो जाएंगी तो। नंबर तीन बैजोई वालों की मांग थी कि हमें स्टॉपिंग सद्भावना का मिलना चाहिए, जो वहाँ के लोग 10 साल से लेकर संघर्ष कर रहे थे, और कई लोग जेलों में भी जा चुके थे, कई महीने रेलवे स्टेशन पर भी लोग सोए थे, लेकिन पहले की सरकार ने अनुमति दी, और हमने लिंक एक्सप्रेस का जो इलाहाबाद से आती है, देहरादून जाती है, उसका स्टॉपिंग अभी पिछले दिनों लगभग 1.5 महीना हो गया, अभी उद्घाटन किया था, प्यारा महोत्सव करा था, एक सद्भावना की बिलारी के लोग रहने वाले हैं, सद्भावना एक्सप्रेस ट्रेन की नहीं था स्टॉपिंग, उसकी मांग थी, जब भी मैं जाता था साहब हमारा ये काम करा दीजिए कराइए, तो वो भी हमने पिछले दिनों 17 जनवरी को उसका हमने स्टॉपिंग का ठहराव कराया, ये रेलवे का काम हुआ है। अगला काम रेलवे का सुनिए, संबल स्टेशन पर जाके देखो तो उसका कायाकल्प हो गया, पहले आप बैठ नहीं सकते थे, खड़े नहीं हो सकते, प्लेटफार्म बनवा दिया है, बाकायदे चेयर कुर्सी ऊपरी टीन सेट प्लेटफार्म टीन का ये बन गया है, कंप्लीट हो गया, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, जाके फोटो लीजिए और उसे दिखाइए बिल्कुल।
रेलवे की जो संभल की लाइन है बिल्कुल सारी पटरी है, उसके स्लीपर हैं वो सारे बदले जा रहे हैं, काम तेजी से चल रहा है, कुछ बदल गए अभी चल रहा, काम समाप्त नहीं हुआ वगैरह। रही बात आप रेलवे की कि संभल से गजरोला तक रेलवे लाइन, ये मैं ही एक सांसद था, मैंने 2015 में रेलवे में उठाया और उसका बजट पर हुआ सर्वे का, सर्वे हो गया कहाँ स्टेशन कहाँ सब चीज़ें ही बनना है, ये सारा आकलन हो गया बजट का हो गया, बस धनराशि की देर है कि धनराशि वो उसकी रिलीज हो जाए, वो काम हो जाए 100% वो काम होगा, लेकिन धनराशि अभी रिलीज नहीं हुई है। धनराशि जैसी वो बड़ा काम है, प्रदेश सरकार को मुख्यमंत्री को मैं लिख के देख आया हूँ कि उसमें सहयोग करें क्योंकि भूमि अधिग्रहण होगा, वो बड़ा काम है, वो छोटा मोटा काम नहीं है। तो वो सारा चीज उसका बजट कितने का बनना, कहाँ स्टेशन कहाँ हाल्ट बनना, ये सारी चीजें हो चुकी है 2019 और अखबारों में भी छप चुका है सब। 2019 का चुनाव है, क्या क्या स्थिति रहेगी और क्या क्या कहें, जैसे विपक्ष ने और लोगों ने ठेकेदारों ने आप पर एक सवाल खड़ा किया था कि जमानत जब्त हो जाएगी 2014 के लोकसभा चुनाव में, क्या 2019 में क्या क्या रूपरेखा है? ये भाषा देखो वो बोलता, हम भाषा नहीं बोल सकते, जो आदमी चिर जाता ना, मेरे भी लोकसभा क्षेत्र में जो तमाम ऐसे लोग चिर जाते हैं तो मेरी भी यही कहते हैं, जब भी यही कहते थे वगैरह, ये तो उनके पास कोई मुद्दे हैं क्या? हम सीधे सीधे विकास और मुद्दों पे बात करते हैं, कोई उनके पास मुद्दे हैं? अभी गडकरी जी ने बताया, आपकी कल्पना में थे क्या इतने काम? आप बताओ, आप जितने वो बता के गए हैं आप सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो? पढ़ा सा लपड़ा लिखा व्यक्ति जो है कल्पना नहीं कर सकता, इतने काम किए, इतने रोड और ये सब चीजें, इतनों की वो घोषणा करके गए, छोटे मोटे काम, इतने हजारों के काम पहले कभी नहीं हुए। हर लोकसभा क्षेत्र हर जिले में जो है NH हाईवे छोटा काम है। अब मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक अभी जो करके गए हैं वो थोड़ा अटक गया है, क्योंकि मैं भी 4-5 दिन डेरा डाल देता तो आज ही वो शिलान्यास उसका भी कर जाते, सैंक्शन हो गया DPR सारी चीज़ें, जोया से संभल होता हुआ बैजोई 72 किलोमीटर का DPR सब चीज़ हो गई, आ चूक गया मैं भी, क्योंकि 4-5 दिन मैं भी जय सर्वे जी 5 दिन से डेरा दिल्ली पड़े रहे, लेकिन मेरे लोकसभा के छोड़ते नहीं, अगर दिल्ली चला गया तो समझ लो मैं खतरे से खाली नहीं हूँ। तो इस नाते वो कह के गए मैं जाकर ही उसको कर दूंगा, तो नया नेशनल हाईवे डेरा डालना पड़ेगा, नया नेशनल हाईवे जोया से संभल होता हुआ भैजोई 72 किलोमीटर का, एक 36 भी है रेलवे का, अभी 2 सड़कों की डिप्टी CM ने घोषणा करी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट माननीय गडकरी जी ने कर दी, 35.5 किलोमीटर देख कही है कितनी महत्वपूर्ण सड़क है जो मछरिया से इन्हें पता है। ये है लोकार्पण कराने के लिए आप कब डेरा डालने वाले हैं फिर कई के लिए? नितिन गडकरी जी के पास आप शुभकामना दो, आप शुभकामना, दोबारा MP बन के आए और आपको बुलाएंगे।